प्यारे बच्चों, राजपूत आपका PVVR एजुकेशन चैनल में स्वागत करता है। और जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं या गाएंगे, उसका नाम है काले मेघा पानी दो। क्या नाम है प्यारे बच्चों उसका? काले मेघा पानी दे। ठीक, यह कविता कक्षा दूसरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। ठीक, इस कविता को पाठ 6 बहुत हुआ कविता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसका कारण यह है कि जो बहुत हुआ कविता है उसमें भी बादलों के बारे में बात हुई है। ठीक, और इस कविता के अंदर भी बादलों से प्रार्थना की गई है। इन दोनों कविता में इतना फर्क है कि उस कविता के अंदर, बहुत हुआ कविता के अंदर, बादलों को वर्षा ना करने के लिए प्रार्थना की जाती है और इस कविता के अंदर बादलों से वर्षा करने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस कविता को करके देखेंगे कि पहले गाना कैसे है। आइए देखते हैं कविता कैसे है। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसो खूब झमा झमझम, नाचे मोर छमा छमझम, बरसो खूब झमा झमझम, नाचे मोर छमा छमझम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे काले मेघा पानी दे, धरती को रंग धानी दे काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, भर दे सारे ताल तलैया, गाय सब मिल चमक छैया, गाय सब मिल चमक छैया, हमको नई कहानी दे सबको दाना पानी दे, हमको नई कहानी दे सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे काले मेघा पानी दे। तो प्यारे बच्चों, ये था एक गाकर तरीका कि हम इस कविता को गाकर याद कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। दूसरा तरीका है इसको आसान तरीके से कैसे बोलेंगे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, बरसो खूब झमा झमझम, नाचे मोर छमा छमछम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, भर दे सारे ताल तलैया, गाय सब मिल चमक छैया, गाय सब मिल चमक छैया, हमको नई कहानी दे सबको दाना पानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे काले मेघा जादू पानी दे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं कि हे काले मेघा, मतलब मेघा का मतलब अर्थ होता है बादल, सभी लोग बादलों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पानी दो। पानी कैसे देगा? बरसात के रूप में। ठीक, आप हमें बारिश के रूप में पानी दीजिए, जिससे हमारी जो फसल है, गुड़धानी, गुड़धानी का शब्द यहाँ पर अच्छी फसलों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो जिससे हमारी फसलें बहुत अच्छी हो जाएं। बरसो खूब झमा झमझम, नाचे मोर छमा छमछम, इसका अर्थ है कि आप इतना ज्यादा बारिश करो या बरसो कि हम सभी छम 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 करके नाचने लगे। ठीक, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, इसका मतलब है कि आप खेतों से लेकर पहाड़ों तक और मैदानों तक या खलिहानों तक, खलिहानों का मतलब होता है प्यारे बच्चों जहां पर फसल को काटने के बाद रखा जाता है, उसे खलिहान कहा जाता है। तो खेतों से खलिहानों तक बरसो और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आप बारिश करो, धरती को रंग धानी दे काले मेघा पानी दे, धरती को रंगीन कर दो, हरा भरा कर दो। आप इतनी बारिश करो हे काले बादल, आप इतनी बारिश करो कि धरती सारी हरी भरी और रंगीन दिखने लगे। कैसी दिखने लगे प्यारे बच्चों? रंगीन। भर दे सारे ताल तलैया, गाय सब मिल चमक छैया,
हे प्यारे बादल, हे काले बादल, अब इतना पानी बरसाओ कि जितने भी तालाब हैं वो सब भर जाएं और हम सभी मिलकर क्या गाएंगे? छम्मक छैया। छम्मक छैया मतलब कोई भी गाना गाएंगे। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे। सबको दाना पानी देने का मतलब है प्यारे बच्चों, जब अच्छी बरसात होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो सभी लोगों को खाना पानी मिलेगा। ठीक है, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। इसका अर्थ है कि अगर आप पानी दोगे तो पानी पीने से क्या होता है बेटा, हम जिंदा रहते हैं। पानी हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल शब्द किया गया, लाइन इस्तेमाल की गई है, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है प्यारे बच्चों, यह थी कविता के, यह है कविता के दो रूप जो मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं। आगे देखते हैं इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्दों को। पहला शब्द है आप सभी के सामने गुड़धानी। गुड़धानी का मतलब धान की अच्छी फसलों के लिए, या गुड़धानी का जो असली अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वो गेहूं आदि को जब हम गुड़ में मिलाकर लड्डू बनाते हैं तो उसे हम गुड़धानी कहते हैं। ठीक, अगला शब्द है हमारा खलिहान। खलिहान प्यारे बच्चों उस जगह को कहा जाता है जहां पर हम फसलों को काटने के बाद रखते हैं, या जहां पर फसलों को काटने के बाद रखा जाता है। तीसरा शब्द है प्यारे बच्चों पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा है धरती। धरती का मतलब प्यारे बच्चों पृथ्वी। फिर अगला शब्द हमारा शब्द नंबर 5, ताल तलैया। ताल तलैया का मतलब है प्यारे बच्चों तालाब। फिर अगला शब्द मैं बता ही चुका हूं आपको, इसका अर्थ मेघ। मेघ का मतलब बादल होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनको बोलने से या पढ़ने से ऐसा लगता है कि उनकी आवाज एक जैसी आ रही है, वो गाने में एक जैसे लगते हैं, या जिनके अंतिम वर्ण एक जैसे होते हैं, जो बोलने में एक जैसी आवाज करते हैं, जिन्हें हम तुकात्मक शब्द कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तुकात्मक शब्द कैसे कहते हैं? जिसके बोलने में एक जैसी आवाज आए उसे हम तुकात्मक शब्द कहते हैं। जैसे पहला शब्द आपके सामने है पानी। ठीक है प्यारे बच्चों, पानी की जैसी आवाज किसकी आ रही है? धानी की। दूसरा शब्द है झम। ठीक प्यारे बच्चों, झम की आवाज इस कविता में किस और शब्द से मिलती है? छम शब्द की। तो इसी प्रकार जो अगला शब्द है हमारा ताल तलैया। ताल तलैया शब्द बिल्कुल छम्मक छैया शब्द से मिलता जुलता लगता है, या बोलने में एक जैसा लगता है। इसमें एक शब्द और भी था खलिहानो, जिसकी आवाज मैदानों, क्योंकि हानो नो 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 एक जैसी आवाज है, तो इसे भी हम तुकात्मक शब्द के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर करेंगे। धन्यवाद।